राजधानी देहरादून में रविवार रात भूकंप से धरती डोल गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र देहरादून बताया जा रहा है, जो जमीन से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था। प्रशासन अगले 3 से 4 दिन तक भूकंप की आशंका को लेकर निकट निगरानी करेगा। राजधानी के कुछ एक इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे, हालांकि भूकंप की तीव्रता काफी कम थी, इसलिए इससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों गणेश गोदियाल का बयान छाया हुआ है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी के लिए काम करने वाले कुछ नेताओं के कांग्रेस में होने की बड़ी बात कही है। इसके बाद पार्टी के अंदर ही इन स्थितियों पर बहस शुरू हो गई है। पार्टी के नेता खुद से इस बात का भी आकलन करने में जुटे हैं कि आखिरकार इस बयान के जरिए किन नेताओं को निशाना बनाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि गणेश गोदियाल का यह बयान हरक सिंह रावत समेत पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ इशारे के रूप में किया जा रहा है। कुछ दिन पहले धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर मित्र विपक्ष की भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। गैरसैंण सत्र में शिक्षा को लेकर धारचूला विधायक हरीश धामी ने मुखरता से सवाल उठाए थे। इस मुद्दे पर उनके सदन में शिक्षा मंत्री से नोकझोंक भी हुई थी। वहीं अब विधानसभा धारचूला के राजकीय इंटर कॉलेज मुलसियारी GGIC नमजला विद्यालय में शिक्षक न होने के कारण बच्चों का आक्रोश भी सड़कों पर उतर आया है। टीचरों की नियुक्ति को लेकर 27 अगस्त से छात्रों के साथ अभिभावक अनशन पर बैठेंगे। आंदोलनकारियों ने जनता से अपील की कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को समर्थन दें। शिक्षा विभाग द्वारा मुनस्यारी के विद्यालयों के साथ सौतेला भार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंशियारी विकास खंड के तमाम जितने भी इंटर कॉलेज हैं, उन इंटर कॉलेजों में शिक्षा विभाग ने इतना जो है अनदेखी किया गया है कि मतलब वहां पर मैथ के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, आपका इंग्लिश का टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है, तो बताइए महत्वपूर्ण विषयों में टीचर नहीं है तो कैसे विद्यार्थी अपना जो है स्कूल जाएगा और अध्ययन कैसे करेगा। तो हम चाहते हैं सरकार से और हम चाहते हैं शिक्षा विभाग से इस तरह मुंशियारी विकास खंड के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए और शीघ्र यदि अगर अध्यापकों की नियुक्ति इन विद्यालयों में नहीं होते हैं तो हम एक जन आंदोलन छेड़ेंगे। बीते 32 सालों से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चल वैजयंती वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन टीटी हार्ट में धूमधाम से किया जा रहा है, लेकिन इस साल खेलों का ये महाकुंभ कुछ खास होने जा रहा है। आपको बताएं कि 29 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले इस 8 दिवसीय इस खेल मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजकों को सफल कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी है। युवक मंगल दल ग्राम सभा हार्ट थर्प द्वारा विगत 32 वर्षों से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चल वैजयंती वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चल वैजयंती वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारे लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि शिक्षा, खेल और अनुशासन की स्थिरता और डॉक्टर राधाकृष्णन के आदर्शों की अनुपम प्रेरणा का प्रतीक है। 8 दिनों तक चलने वाले इस खेल महोत्सव में कबड्डी, बैडमिंटन, आर्म रेसलिंग, मैराथन, ब्लड डोनेशन जैसी विविध गतिविधियाँ हमारे युवाओं को टीम भावना को समझने, नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देती है। राज्य में आगामी राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस महोत्सव के दौरान दिखाए गए समर्पण और ऊर्जा को आगामी राष्ट्रीय खेलों में भी बनाए रखें और आप सभी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर अपने राज्य का नाम रोशन करें। मैं श्री मलयनाथ स्वामी जी की पावन भूमि डीडीहाट में आयोजित हो रहे इस खेल महोत्सव को सफल और समृद्ध बनाने हेतु आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं डीडी हार्ट में आयोजित होने जा रहे इस खेल महोत्सव में 3 प्रदेशों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले डॉक्टर मनोज गोरकेला उपमहाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर मनोज गोरकेला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। डॉक्टर गोरकेला कुमाऊं के पहले सुप्रीम कोर्ट में उपमहाधिवक्ता हैं, साथ ही उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने LLD की उपाधि प्राप्त की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि डॉक्टर गोरकेला इसी धरती के सपूत हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद ये मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर मनोज गोरकेला समेत 15 लोगों को इस खेल महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर गोरकेला ने खेल आयोजन के लिए K24 न्यूज के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी। सम्मान प्राप्त करने वालों में सबसे ऊपर मेरा नाम है, मेरा नाम डाला गया है, डॉक्टर मनोज गोरकेला का नाम डाला गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ के लोगों को कि मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया। अगर आपने मेरा नाम डाला तो वहाँ के यूथ जो बच्चे 6th 7th में पढ़ते हैं वो बोलेंगे इनको क्यों सम्मान मिल रहा है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, गूगल में देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे, ट्विटर में देखेंगे, तो शायद मुझसे प्रेरणा लेके कुछ बच्चे
जो है अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कनाडा, लीगल प्रोफेशन में भी आ जाए, क्या पता वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट लॉयर बने, वहाँ से उस उन जंगलों कंदराओं से यहाँ तक पहुँचे। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं, और ये काम बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है, और मेरी तरफ से पिथौरागढ़ जिले के डिगरी हाट के हाट गाँव के जितने भी यूथ इसमें शामिल हो रहे हैं, जो भी फंडिंग कर रहे हैं, जो डोनेशन दे रहे हैं, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन सबको बहुत 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 बधाई। और ये टूर्नामेंट इसी तरह हर साल होते रहे, वहाँ के यूथ को प्लेटफॉर्म मिलता रहे, और जब भी वहाँ का यूथ, मैं ये अश्योरेंस कर रहा हूँ, जो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, जितना यूथ, अगर उस बच्चे को दिल्ली आना है, दिल्ली में कहीं कुछ उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ ओपिनियन चाहिए, तो मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला है। मेरे लायक जो भी महत्व होगी, कहते हैं जननी जन्म भूमिश्वर स्वर्गा देवी गरेसी, जहाँ जिस जननी जिस धर्म जन्मभूमि में आपने जन्म लिया है, उसका कर्जा आप तभी दे पाएंगे जब वहाँ के लोगों को प्रमोट करेंगे, वहाँ के गांव को प्रमोट करेंगे, वहाँ के यूथ को, वहाँ के बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो मेरे लायक जो भी हेल्प होगी मैं पूरी मदद करूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम, ये जो है इस उत्तराखंड का सबसे सक्सेसफुल कार्यक्रम हो, ये मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तहसील जैती के धामदेव में सालम क्रांति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सालम के शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इस जगह पर बलिदान दिया था। उनकी बरसी हर साल धामदेव में यह दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सालम क्रांति देश में विशेष स्थान रखती है, देश की आजादी में जैती क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। तो ये थी आज के हमारे न्यूज़। अजी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।